हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करवा चौथ की भोजन की थाली, जिसमें मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्जी, मूली की पत्तों की भुजिया और खीर दाल। तो चलिए बनाती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं आलू उबालूँगी। आलू धो के रखे हुए हैं, आलू उबलने रखूंगी मैं इसमें। और खीर के लिए इस पे मैं 1 किलो दूध लाए हैं, उसमें दूध उबालने रखती हूँ। दूध उबालेंगे, जब ये दूध उबल जाएगा जब इसमें चावल डालेंगे। इस बनाने के लिए मैंने ये सामान लिया है, खीर के लिए किशमिश लिया है, ड्राई फ्रूट लिया है और सब्जी बनाने के लिए अदरक का पेस्ट, प्याज का, टमाटर का, ये नमक मिर्च मसाले हैं, ये हरा धनिया है और ये चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे खीर के लिए। ये उबल जाएगा दूध तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ये हमारे आलू उबल गए हैं, मैं इनको निकालूंगी, गैस बंद करूंगी। आलू उबल गए हैं, इतने आलू ठंडे होते हैं, इतने हम भुजिया की सब्जी बनाते हैं। हम इसमें प्याज डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, ये हमारा दूध उबल गया है, इसमें चावल डालेंगे। मैंने धो के भिगो के रखे थे चावल, ठीक है।
प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तो हम डाल देंगे सब्जी। देखो थोड़ा ब्राउन होने लगी है प्याज। हम इसमें मूली के पत्ते डालेंगे, मूली की सब्जी बनाएंगे। इसमें हम आलू छील लेंगे आलू की सब्जी बनाने के लिए। साथ साथ में खीर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये मैंने स्लो कर रखी है गैस, धीरे धीरे पकती रहेगी। ये अब थोड़ा पानी सूख गया है मूली का तो मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। थोड़ा धनिया, थोड़ी हल्दी, कुछ लोग जो हैं ये मूली को उबाल के सब्जी बनाते हैं, पर मैं उबाल के नहीं बनाती क्योंकि मूली को उबालने से सारे विटामिन उसके निकल जाते हैं और उसमें इतना टेस्ट भी नहीं लगता है खाने में सब्जी, इसलिए मैं कच्ची मूली की ही बनाती हूँ। इस खीर को चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। ड्राई फ्रूट डालूंगी इसमें। किशमिश डालूंगी। और ये इलायची डालूंगी। मैं इलायची क्रश करके डालती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट लगता है, इलायची पाउडर में इतना फ्लेवर नहीं आता। और चीनी ऐड करूँगी।
अपनी सब्जी देखेंगे। ये हमारी खीर तैयार हो गई है। बंद करेंगे। हम आलू काट लेंगे। आलू की सब्जी बनाएंगे। तेल डालेंगे, तेल को पकाएंगे अब हम। हम अपनी ये सब्जी देख लेते हैं। ये हमारा तेल हो गया है। मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी हींग डालेंगे, इनको भूनेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हम भूनेंगे। देखते हैं हमारी सब्जी, हमारी सब्जी तैयार है। गैस को बंद करेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगी हम भूनते रहेंगे। लहसुन प्याज का पेस्ट जो है ब्राउन हो जाना चाहिए। देखिए अब हमारी प्याज लहसुन का अदरक पेस्ट जो है ब्राउन हो गया। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। और मसाले ऐड करूंगी अब मैं इसमें। नमक डालूंगी,
धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, देखिए दोस्तों कितना अच्छा फ्लेवर आया है, कितना अच्छा लग रहा है मसाला। इसको हम भूनेंगे, अभी अच्छी तरह भूनेंगे, जब तेल अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा तो ये अच्छी तरह भून जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की इसमें से, और सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। देखिए अब हमारा मसाला जो है भुन गया है अच्छी तरह से, ये तेल अलग और मसाला अलग हो रहा है, इसका मतलब ये मसाला हमारा अच्छी से भून गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे रूखी भी खा सकते हो, सूखी सब्जी भी बना सकते हो, और चाहो तो थोड़ा ग्रेवी वाली भी बना सकते हो। मैं लेकिन ग्रेवी वाली बनाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। दोस्तों हम दाल बनाते हैं। मैंने दाल पकने के लिए पानी रख दिया गर्म होने के लिए। हम सब्जी देखते हैं अपनी, सब्जी का क्या हाल है। अभी और पकाएंगे। सिम करेंगे। ये हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें दाल डालेंगे। ये दाल मैंने धो के रखी हुई थी पहले से ही, दाल डाल दी मैं। अब हम इसमें
मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अब हम ये देखते हैं हमारी सब्जी तैयार हो गई है। ये हमारी आलू की सब्जी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स इतने ये दाल बनेगी, इतने मैं आटा गूंथती हूँ पूरी का, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ा घी डालूंगी, नमक डालूंगी, इसको भूनेंगे। देखिए अब फ्रेंड्स हमारा आटा तैयार हो गया, हम इसको यहाँ रखेंगे। इतने हम दाल बन दी है, इतने हम दाल इतने हम रायता बनाते हैं बूंदी का। बैठेंगे पहले नमक ऐड करूंगी मैं इसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च, हम इसमें थोड़ा सा तड़का डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी,
देखते हैं दाल तैयार होगी हमारी। देखिए हमारी दाल पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम छौंका लगाएंगे। जीरा डालेंगे, ये हमारी दाल तैयार हो गई है। थोड़ा रायते में डालेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी सब्जी सारी तैयार है, अब हम पूरी बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल डालेंगे। उसको भी लगा दो थोड़ा तेल सा, वो नहीं होगा। फ्रेंड्स हमारी सब्जी सब तैयार हो गई है, अब हम पूरी बनाते हैं। तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में, इतने हम पूरी बेलेंगे। पूरी डालेंगे,
फ्रेंड्स हमारी पूरी तैयार हो गई है। अब हम जो है थाली सजाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये देखिए फ्रेंड्स हमारी करवा चौथ की थाली बिल्कुल तैयार है। आप भी ऐसे बनाइए, आप भी ऐसे घर में अपने बनाइए। करवा चौथ की थाली बिल्कुल तैयार है।